लिए बने रहे ट्रेड में, 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए और ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है इसको आप सही कह रहे हैं, बने रहना चाहिए। और 20 अप्रैल और 28 अप्रैल को दो ईवी की लॉन्च भी है इनकी, जी एक का भी इन्होंने प्रोटोटाइप दिखाया है। कंपनी का पूरा फोकस अब ईवी की तरफ है, तो बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड पे कंपनी चल पड़ी है। तो जाबिर आप अगर होल्ड कर सकते हैं और समय दे सकते हो तो होल्ड करिएगा, फ्यूचर फंडामेंटली बहुत ब्राइट लगता है। टेक्निकली तो होल्ड करने की सलाह आपको मिल ही रही है। मनीष कुमार हैं जालंधर से। मनीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर मेरे पास, मैंने शेयर बाय किए थे फिनोलेक्स शेयर, मेरे पास 150 है, तो मैंने बाय किए थे 225। सर बता सकते हो, अभी मैं 1-2 महीने और अभी होल्ड कर सकता हूँ, बता सकते हो क्या ये शेयर मेरा अभी अभी वेट करूँ और अभी सेल कर बिल्कुल दूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो हमने आपको फोन किया। बताइए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सर्वेंद्र, इन्होंने जिस प्राइस पे लिया था वहां से तो काफी नीचे, 50-60 रुपए नीचे, क्या करना चाहिए? होल्ड करें क्या ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज? फिनोलेक्स स्पाइक इन्होंने बोला हाँ राइट। हाँ हाँ वही वाली। नीरज जी देखिए, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा लेट ये हो गए हैं। स्टॉक जो स्टॉक अब ऊपर से आप देखिए, तकरीबन तकरीबन ऊपर के स्तरों से अगर आप देखें तो 40-50% इसने गिव अप कर दिया था, 40% के करीब। तो आई थिंक यहाँ पे उछाल में मेरी राय निकलने की रहेगी। ये वो स्टॉक है प्रॉब्ली इस मार्केट का जो ऑलरेडी अब लीड कर रहा है, अपने लॉन्गर टर्म सपोर्ट एवरेजेस तोड़ के खड़ा है, और उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 दिन से जा नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि 175-180 के आसपास इसको बहुत स्ट्रांग हर्डल्स हैं, उसके ऊपर ये नेक्स्ट 1-आध महीने में तो फिलहाल जब तक जाता नहीं है तो मोमेंटम आएगा नहीं। तो मेरी राय है कि उछाल में यहाँ पे निकल जाएं और प्रॉब्ली उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अच्छा।